channel. Today we have Dharmendra Sir with us, sharing a few knowledge, like his knowledge about YouTube, whatever he has. And I'm sure this is going to be great. So let's start with the questionnaire. So sir, आप YouTube 2014 से कर रहे हैं, तो YouTube 2014 में और अभी आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस हो गया है, खासकर करके अगर बात की जाए अभी पिछले एक साल से जो डिफरेंस हुआ वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब जो है आप ऑडियंस आ गई, इंडियन ऑडियंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और चैनल्स के पास अगर अच्छा कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है नए चैनल्स को भी फास्टली ग्रो करने के लिए। पहले ग्रोथ बहुत कम था, आप देखेंगे जो भी हमने 2012 में बनाया था, बहुत लोगों ने बनाया था, वो धीरे धीरे ग्रो किया है। अभी जितने में 1 लाख पहुँचे, 5 लाख पहुँचे, लेकिन बहुत स्लोली हुआ है। लेकिन अब जो है ना, पिछले साल से इतने जो भी चांस बन रहे हैं वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं, बहुत बूम आ गया। और आई थिंक कि आने वाले 10 साल में यूट्यूब एक टीवी का, टेलीविज़न का रूप ले लेगा। ओके, तो सर आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि इतना क्रिएटर्स को पुश मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से? ऑब्वियसली अच्छी बात है, कंपटीशन तो हर चीज़ में है ना, अच्छी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आपको ईज़ हो रहा है हर चीज़ सीखने के लिए। पहले लोग बुक्स में पढ़ते थे, खाना बनाना था तो किताबें लेने के पढ़ते थे, कुछ भी सीखना है ढूंढना है इंटरनेट पे किताबें या फिर डिक्शनरी यूज़ करते थे। अब क्या, सीधे टाइप करो, पहले उसका गूगल पर सर्च करके वेबसाइट्स में देखते थे, अब क्या कि सीधे वीडियो देख लो, सर्च करो, डाटा का खर्च भी नहीं है, वीडियोज़ में आप आसानी से समझ सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश जैसा प्रेफर करते हैं वैसा मिल जा रहा, तो ऑब्वियसली बेटर है ना। और हाँ, तो डेफिनेटली क्रिएटर्स के लिए थोड़ा वो क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है, रेवेन्यू अफेक्टेड हो रहा है ना, तो ये तो जरूर है, बट इट इज़ गुड, बुरा तो नहीं है। सर, यूट्यूब अभी अपडेट होता है हर दिन हर महीने, सो आपको क्या लगता है कि क्रिएटर्स के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है कंपेयर टू व्हाट वाज बिफोर? अपडेट इन द सेंस, मतलब एल्गोरिदम हर टाइम चेंज हो रहा है या फिर रेवेन्यू के मतलब प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? वो तो करना ही पड़ेगा ना एल्गोरिथम, क्योंकि लोग जो है एल्गोरिथम को तो हर समय समय पे चेंज करते हैं, चाहे गूगल हो चाहे यूट्यूब, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लोग जो है इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करके अपने वीडियोस को वायरल कर लेते हैं या फिर जो भी हो, तो उस चीज़ को ताकि सही वीडियोज़ जो है वो ट्रेंडिंग में आए या फिर ज़्यादा व्यूज़ आए उन पर, वो पॉपुलर हो, है ना, ये भी तो ज़रूरी चीज़ है ना, इसलिए वो एल्गोरिथम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़, तो एल्गोरिथमिक चेंज जो है वो तो ज़रूरी है ही। और जहाँ तक अपडेट की बात है, अगर क्रिएटर्स उसके लिए मतलब जानकारी नहीं मिलती है, तो मेरे जैसे चैनल्स हैं जहाँ पे हम तो बताते ही रहते हैं कि क्या अपडेट आया है यूट्यूब की तरफ से और ये कैसे इफेक्ट करेगा आपको, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। ओके, और सर ऐसे बहुत सारे अभी फिलहाल क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब को फुल टाइम की तरह देख रहे हैं, सो वो देखना चाहिए या नहीं? बिकॉज मैं खुद ऐसे एक बार सोच रही थी कि मैं यूट्यूब फुल टाइम करूँ, बट अभी जैसे सीन है तो देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से क्रिएटर्स जो हैं वो ये डिसाइड कर लेते हैं मन में कि मुझे बस यूट्यूब ही करना है और चाहे इसके लिए जान लगा दें हम, लेकिन वो सच में बहुत मेहनत करते हैं उस पर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जान लगा दिए उस पर ना सब कुछ लगा दिए हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये एक लक फैक्टर है। इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई भी ये डिसाइड करके, जैसे पढ़ाई नहीं है ये कि हम अगर आप पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा अपना तो मतलब अच्छा आउटपुट ला देंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लक भी मैटर करता है। बहुत से क्रिएटर्स जो है फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी मेहनत करते हैं और अच्छी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वही अगर लक जिनका मैटर अगर काम कर दिया थोड़ा बहुत भी तो कहाँ पहुँच जाते हैं। तो यही मेरा यही कहना है कि आप स्टार्ट कीजिए पार्ट टाइम से इसे, यूट्यूब को कभी भी सीरियसली स्टार्ट मत कीजिए, मतलब पार्ट टाइम से स्टार्ट कीजिए, ऐसा डेडिकेट करके नहीं कि हमको यही करना ही करना है। अब अपने लक अगर साथ देने लगता है उस पर तो आप स्विच कर जाइए, डेडिकेट कीजिए और वो आपको पॉपुलर भी बनाएगा और पैसे भी देगा बहुत सा, तो तब कीजिए, ये नहीं कि शुरुआत से डेडिकेट होकर उस पर काम नहीं कीजिए, पहले पार्ट टाइम फिर फुल टाइम। ओके, सर अभी ये एक मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे अभी वॉच टाइम हो या फिर रियल टाइम व्यूज़ हो, वो एक बार मुझे कुछ और दिखाता है और कभी अचानक कम हो जाता है, ये रिसेंटली बहुत हो रहा है, तो ये क्यों आप बता सकते हैं? देखिए एक्चुअली बहुत तरह के इश्यूज आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइबर सडनली कभी ड्रॉप हो जाते हैं, कभी व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, ये जो है एक्चुअली एक एरर होता है, सर्वर एरर है जो कि समय समय पे होते रहता है और उसे बाद में इम्प्रूव कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे आज कुछ हुआ ऐसा तो उसे इम्प्रूव कर लेता है, जैसे कि सडनली ही कभी किसी के सब्सक्राइबर घट गए, बहुत घट गए या बढ़ गए, तो उसको ना वो आप देखिएगा वो उसे मैनेज कर लेता है अगले कुछ समय पर, वो होता है ना, टेक्निकल इशू होता है वो चीज़, बट ये टेक्निकल इशू आजकल ज़्यादा क्यों हो रहा है?
क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड है, क्योंकि क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना, वीडियोस मिलियंस में अपलोड हो रहे हैं डेली, तो ऑब्वियसली हो सकता है। सर आपको क्या लगता है यूट्यूब किस तरह का प्लेटफॉर्म है? लाइक वो चालू हुआ था बहुत कम चीज़ों से, पर आज यू फाइंड एवरी सेकेंड थिंग ऑन यूट्यूब। लाइक पहले तो हम कुछ ही चीज़ें होती है जो यूट्यूब पे हमें मिलती थी, हाँ। पर आज डांस से लेके सिंगिंग से लेके कॉमेडी से लेके सब यूट्यूब पे है, सो और उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। ऑब्वियसली बिल्कुल। सो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं कि मिसयूज़ को हम कुछ भी करके टाल सकते हैं, या गलत चीज़ें यूट्यूब पे ट्रेंड हो रही है आजकल, तो उसको कुछ हम कर सकते हैं हमारी तरफ से? देखिए हम तो एज ए क्रिएटर तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसके लिए ज़्यादा, हम बस उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। इस तरह से सभी अगर क्रिएटर्स मिलके इस टाइप में अपोज करते हैं तो ये सही रहता है, लेकिन अगर इसका ख्याल तो यूट्यूब पर रखना चाहिए ना, उसे यूट्यूब का ख्याल रखना चाहिए कि हम जेन्युइन जो है वीडियोज़ को ऐसा एल्गोरिथमिक चेंज करें या फिर ऐसा कुछ करें। अरे भाई हमारा यही कहना है कि यूट्यूब जो है इतनी सारी चीज़ों को, गूगल इतनी बड़ी कंपनी, हर चीज़ को इतना सही से सब कुछ कर लेता है, मैनेज कर लेता है, तो इस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहा है? ट्रेंडिंग सेक्शन हो गया या फिर ये बहुत उसके बहुत बड़ा बात नहीं होगा। मेरा तो यही मानना है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब जो है क्रिएटर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं, और ये तभी सीरियस होगा यूट्यूब इस चीज़ को लेकर जब इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन आएगा, जो कि फेसबुक है, और हमें उम्मीद है कि फेसबुक का वीडियो मोनेटाइजेशन बहुत जल्दी आने वाला है, और वो जब आ जाएगा ना तो आई गेस आई होप कि यूट्यूब अपने आप को सुधार ले इस मायने में। सर आपको क्या लगता है यूट्यूब इंडिया में ही ये सब हो रहा है कि फॉरेन कंट्रीज़ के यूट्यूब के साथ भी यही प्रॉब्लम फेस हो रहा है? नहीं, ये जो है मैं भी देखता हूँ, दूसरे कंट्रीज़ के यूट्यूब देखता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ऐसा चीज़ नहीं होता है, इंडिया में होता है ये चीज़ ज़्यादा। इंडिया में थोड़ा इस टाइप का हो गया है कि लोगों का मेंटलिटी क्या हो गया ना कि यहाँ मालूम चल गया कि किसी से पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो वो बस वही चीज़ ध्यान में रख लेते हैं कि इससे पैसे मुझे बनाना है, चाहे उसके लिए क्या करना पड़े, उसको देख कर लोग गलत गलत वीडियोज़ बना रहे हैं, उसी इसी वजह से बढ़ रहा है ये चीज़, है ना। हालांकि यूएस यूके में ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, इस तरह के वीडियोस बनते हैं जो इंडिया में ट्रेंड करते हैं वो, है ना। और थोड़ा पब्लिक का भी थोड़ा मूर्खता है कि अभी नए नए एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में आ गया है जो कि अवेयर नहीं है उसके बारे में। जैसे हमारे यहाँ गाँव वगैरह में देखते हैं लोग, तो जो भी कुछ दिख गया मोबाइल पे, इंटरनेट पे, सब समझते हैं कि सच है, तो उनका ज़्यादा मेजोरिटी होने की वजह से भी इन वीडियोज़ को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरह से इंडिया में ही ज़्यादा अफेक्टेड है। हालांकि इंडिया में हमें लगता है कि 5 साल 6 साल के बाद ना लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे, हाँ ये सब फेक चीज़ें हैं जो ये सब ट्रेंड करते हैं, तो सब गलत चीज़ें हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्रिएटर्स के लिए आपकी तरफ से मैसेज या कुछ मोटिवेशन, एनीथिंग यू वांट टू गिव क्रिएटर्स के लिए? हम यही कहेंगे कि देखिए यूट्यूब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जितना मतलब हुआ है इसका कि हम इस पर इतना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है। पैसा बहुत से लोगों को लगता है, दूसरे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की लाइफस्टाइल को देखकर लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है यूट्यूब पे, बट ऐसा नहीं। आज के डेट में अगर पैसा की बात की जाए तो यूट्यूब से कई अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पैसा देंगे आपके मेहनत के। जितना आप मेहनत, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि जितना आप मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, उसके हिसाब से यूट्यूब आपको उतना आउटपुट नहीं देता है एज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले आप जिस चीज़ में बेस्ट हैं, जिस चीज़ में बेस्ट हैं वो कीजिए, ठीक है। अगर आपको पैसन है, शौक है बहुत कि मुझे पॉपुलर होना है, तो यूट्यूब इज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। फेसबुक ये मतलब परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब फेसबुक दोनों परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, उसके ट्विटर या फिर और जो भी इंस्टा वगैरह है, वो सब यूज़ कीजिए पॉपुलरिटी के लिए। पैसे के लिए यूट्यूब पे मत आइए, उतना डेडिकेट होकर स्टार्ट मत कीजिए कि मैं सिर्फ बिल्कुल स्टार्ट किया और पॉपुलर हो जाऊँ, वैसा नहीं। तो आप अगर पॉपुलर होने लगते हैं ना, तब उस पर थोड़ा सीरियस होइए, मेरा यही कहना है। ओके सो आई थिंक दैट वॉज फेयर इनफ टू नो हाउ यूट्यूब इज एंड हाउ डू वी नीड टू इम्प्रूव एंड यू नो गेट आर माइंड स्टेट स्टेबल। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम, एंड जो आपने नॉलेज दिया हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द पॉजिटिव मैसेज एंड डोंट टेक द नेगेटिव आउट ऑफ इट, एंड सी दिस इन अ गुड वे। सो दैट्स इट फॉर द डे, आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग the positive vibes. Yeah, and subscribe to my channel. The link is given in the description. आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, इवन आई हैव लिंक सर्स चैनल बिलो, सो यू कैन चेक हिज चैनल आउट एंड गेट ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग यूट्यूब यू वांट। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय।